नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने बन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जब इस तरीके का गुलदस्ता हमारे गार्डन में बन जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पीछे हमारी बहुत कड़ी मेहनत होती है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और आज हम एक ऐसे खूबसूरत सा प्लांट के बारे में बात करेंगे जो हमारे गार्डन में एक बार आता है तो सालों साल बना रहता है, क्योंकि एक परमानेंट प्लांट है। और इसके जो फूल हैं साल के 10 महीने खिलते हैं, जिससे कि हमारे गार्डन की रौनक बनी रहती है। और ये बहुत हार्डी प्लांट है। इसका नाम है लैंड लोटस और इसे स्थल कमल भी कहते हैं। और ये एक परमानेंट प्लांट है और इसकी बहुत सारे कलर और वैरायटी आती है, डबल पेटल, सिंगल पेटल। और इसके कुछ प्लांट के फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो कलर भी चेंज करते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी है स्थल कमल के। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। यदि आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है, यानी अमरूद के पेड़ के जितना बड़ा हो जाता है। और ज़मीन में लगाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा देख रेख हमें नहीं करनी पड़ती है, और यदि गमले में भी लगाते हैं तो बहुत आसानी से ये हमारे गार्डन में सालों साल चलता रहता है। तो बात करते हैं कि इसे लगाना कैसा है। तो ये नर्सरी में भी बड़े आराम से मिल जाता है और इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। और जैसे अभी बरसात का सीज़न चल रहा है तो आप अभी कटिंग लगा लीजिए तो भी 8-10 दिन में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। आपको कहीं भी दिखे तो पेंसिल आकार जितनी इसकी कटिंग ले आइए और लगा दीजिए, ये ग्रो हो जाएगी। और बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ होने वाला हमारा प्लांट है, तो कटिंग लगाने से 3-4 महीने बाद ही इसमें फूल आने लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर लगाइए। और बात करते हैं गमले के बारे में। तो यदि आप इसे गमले में लगाते हैं तो ये देखिए, मैंने ये प्लास्टिक के टब में लगाया हुआ है। तो यदि आप गमले में लगाते हैं तो 15 से 20 इंच के गमले में लगाइए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा ही गमला लें तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि प्लास्टिक के गमले या टब में लगाते हैं तो बहुत सारा होल बनाइए, क्योंकि 2-4 होल से नहीं होगा, कम से कम 15-20 होल बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा प्लांट हेल्दी चलता रहेगा। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये गुड़हल का फूल। तो इस तरीके से हम इसके गमले का चुनाव कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है तो हमें इसकी मिट्टी फर्टिलाइजर रिच बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सालों भर फूल देने वाला प्लांट है। तो इसके लिए हमें एक हिस्सा अपने गार्डन की मिट्टी और एक हिस्सा बर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर की खाद और एक हिस्सा रेत मिला के इसकी मिट्टी बना सकते हैं। और हमें ऐसी जगह पे इसे प्लेस करना है जहाँ सारा दिन का इसे धूप मिलता रहे, क्योंकि यदि आप ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ कुछ देर ही धूप मिले या शेडी एरिया हो तो इसमें फूल नहीं आएंगे। तो इसे हमें ऐसी ही जगह पे रखना है जहाँ इसे सारा दिन का धूप मिले, इसे धूप बहुत पसंद है, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। और इसमें नमी बना के भी रखना है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और हमारी मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो बहुत ड्राई ना होने दे, नमी बना के रखें तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और 15-20 दिनों में एक बार अच्छे से गुड़ाई करके, क्योंकि गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो 15-20 दिनों में एक बार गुड़ाई करके इसमें एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट या बोन मील भी डाल सकते हैं, DAP के दाने डाल सकते हैं, और महीने में कम से कम एक बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें तो इसमें भर भर के फूल आते हैं। और इसमें रोज़ ही भर भर के फूल आते हैं, शाम होने से ये इसके फूल सिकुड़ जाते हैं, बस एक दिन के लिए इसका फूल होता है, लेकिन ये रोज़ ही पूरे भर भर के खिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे गार्डन की रौनक को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है मिली बग की,
इसमें मीली बग का अटैक बहुत जल्दी होता है, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हमें अपने प्लांट में मीली बग का अटैक नहीं होने देना है। अटैक होने का इंतज़ार हमें नहीं करना है, 15-20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे रेगुलर करते ही रहना है, क्योंकि एक बार अगर मीली बग का अटैक हो जाता है तो हमें बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है उसे हटाने के लिए। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हर 15-20 दिनों में एक बार इसे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, तो ये हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है मार्च से नवंबर तक होता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इसके फूल छोटे आने लगते हैं और पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, नहीं तो ये सालों भर 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 के फूल देता ही रहता है। तो इस तरीके से हम इसकी देखरेख कर सकते हैं, और यदि हम गमले में लगाए हैं तो साल में एक बार हमें इसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। हमें अपने प्लांट को बाहर निकाल के इसके 30% जड़ों को काट के ऊपर से भी डीप छटाई करके और गमले की मिट्टी को चेंज करके फिर से लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा ये प्लांट सालों साल चलता रहे और भर भर के फूल देता रहे। और हमें रिपोर्टिंग तब करनी है अपने स्प्रिंग सीजन में, फरवरी या मार्च में, तो ये बहुत अच्छे से हमारा प्लांट चलता रहेगा। तो इस थोड़े से देखरेख में हम इसे बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं और अपने गार्डन की रौनक को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्थल कमल को लगा सकते हैं। और आप अपने इतना जब अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, तो आप सब भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।